हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे और एक नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों, मैं ऐसा करता हूँ कि आप सब ठीक होगे। तो दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख रहे होगे कि इस टाइप का फोटो कुछ ज़्यादा ही वायरल हो रहा है। तो दोस्तों, इस फोटो को आप कैसे बना सकते हो, तो दोस्तों आज वो हम सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं जो भी इस ट्यूटोरियल यूज़ कर रहा हूँ वो सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो दोस्तों आप वहीं से डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों, बिना आपका टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले स्नैपसीड को ओपन करना पड़ेगा। इसके बाद आपको जाना है प्लस वाले आइकन पे और जिस फोटो को भी एडिट करना है उस फोटो को ऐड कर लो। तो दोस्तों, मैंने ऐड कर लिया है। तो आपको जाना है टूल्स वाले ऑप्शन पे, जाने के बाद ट्यून इमेज, ब्राइटनेस को थोड़ा सा बढ़ा लो, उसके बाद कॉन्ट्रास्ट को भी थोड़ा सा बढ़ा लो, सैचुरेशन को माइनस कर दो थोड़ा सा। दोस्तों, इतना हो जाने के बाद ये राइट वाले को टच कर दो। उसके बाद आपको जाना है बॉक्स वाले ऑप्शन पे, फिर व्यू एडिट और ट्यून इमेज और ये पेंसिल वाले आइकन पे। इतना हो जाने के बाद दोस्तों, फोटो को जूम कर लेना और अपने बॉडी पे सब जगह पे इसको अप्लाई कर दो। तो दोस्तों, मैं जल्दी से अप्लाई कर दे रहा हूँ। तो दोस्तों, ये हमारा हो चुका है। दोस्तों, इसको राइट वाला टच कर दो। इसके बाद है बैक वाले आइकन को, फिर जाने टूल्स वाले में, टूल्स वाले के में जाने के बाद विगनेट पे, फिर आपको 12 वाले को टच करना है। उसके बाद उसका ब्राइटनेस को भी थोड़ा सा बढ़ा लो। फिर दोस्तों, ऊपर स्क्रॉल करने पे सैचुरेशन को फुल्ली माइनस कर दो। उसके बाद स्टाइल एंड स्ट्रेंज को थोड़ा सा माइनस कर दो, फिर ये राइट वाले को टच कर दो। उसके बाद दोस्तों, फिर से टूल्स वाले पे, फिर ये कर्वेज वाले पे, उस पर गोल वाले को टच करना है और इस पर रेड कलर को चूज़ कर लो और ये बीच में से इसको साइड में खींच लो। इतना हो जाने के बाद राइट वाले को टच कर दो। उसके बाद आपको जाने बॉक्स वाले आइकन पे, फिर व्यू एडिट, फिर जाने कर्वेज पे, पेंसिल वाला आइकन, फिर दोस्तों इसको जूम करके अपने फेस पे अप्लाई कर दो। तो दोस्तों, मैं अप्लाई कर रहा हूँ, तब तक आप वीडियो को देखते रहे। तो दोस्तों, ये हमारा हो चुका है। फिर दोस्तों, आपको ये बॉक्स वाले को टच करना है। फिर दोस्तों, जहाँ जहाँ पे भी एक्स्ट्रा बचा है उसको भी हटाना है। तो दोस्तों, मैं फिर से हटा लेता हूँ। तो ये दोस्तों हमारा हो चुका है। फिर राइट वाले को टच कर दो। फिर दोस्तों, ये बैक वाले ऑप्शन को, फिर दोस्तों आपको जाने टूल्स वाले ऑप्शन पे, उस पर जाने के बाद डबल एक्सपोजर और एड फोटोज़ पे जाना है। तो दोस्तों, मैं जिस भी PNG को यूज़ करूँगा उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहीं से डाउनलोड कर सकते हो। तो ये ऐड हो जाने के बाद दोस्तों, आपको जाना है इस पर जाने के बाद इसको ऐड कर दो और दोस्तों इसको सही से एडजस्ट कर दो। ये हो गया दोस्तों, इसको राइट कर दो। ये हो जाने के बाद दोस्तों, आपको जाना है एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पे, उस पर जाने के बाद इसको सेव कर दो। तो दोस्तों, ये फोटो बन के रेडी हो गया है। तो दोस्तों, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि इस टाइप का मैं कोई सा भी वीडियो बनाऊँगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो दोस्तों, अपने फ्रेंड को भी इस वीडियो को शेयर करना, क्योंकि वो भी इस टाइप का फोटो एडिट कर सके। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक दोस्तों बाय बाय।